जय हिंद, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्टडी पावर पॉइंट, दिस इज अंकित मौर्य। आज 9 अप्रैल 2021 और इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। बीटी यूपी से कल रात लगभग 10 बजे के करीब में यह अपडेट देखने को मिली। ये सबसे तगड़ी अपडेट है। यहाँ पे आज किस वीडियो में बात करें, एकेडमिक कैलेंडर जारी हो चुका है, जहाँ पे आपको पता चलेगा आपका एडमिट कार्ड कब जारी होगा, साथ में पेपर वगैरह कब होंगे, कब प्रैक्टिकल कराए जाएंगे, साथ में ये भी मैं आपको बताऊंगा आपका रिजल्ट कब आएगा, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको भले से आपने देख लिया, लेकिन आप वीडियो में कहना चाहता हूँ अंत तक देखिए और इसके बारे में समझिए अच्छे से, क्योंकि सबको पता भी होना चाहिए, ठीक है, इसके बारे में। चलिए आप यहाँ पे पहले ध्यान से समझिए, यह अपडेट बीटीयूपी से कल लगभग आई है, तो आप यहाँ पे एक बात सुनिए। यह अच्छा ने प्रोवाइड करा, काफ़ी और स्टूडेंट ने, सबको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ईमेल के माध्यम से आई है, बड़ी अपडेट थी, और यहाँ पे देख सकते हैं बीटीयूपी सीधा किसके लिए है, सभी कॉलेजों के लिए, प्राइवेट हो, एडेड हो, गवर्नमेंट वगैरह हो, सबके लिए कल ही की डेट में 8 तारीख को यहाँ देखने को मिली है। विषय की अगर हम बात कर लें तो आप यहाँ पे देखेंगे परिषद से संबद्ध, ठीक है, समस्त पॉलिटेक्निक संस्थाओं हेतु सम सेमेस्टर 2021 को निर्धारित रूप से चलाने हेतु शैक्षिक कैलेंडर को निर्धारण के संबंध में यह जारी किया गया है। आगे देखिए, पहले अपडेट के बारे में समझिए, फिर दिखाता हूँ कि कब कब क्या होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं महोदय, उपरोक्त विषय आपको अवगत कराना है कि सम सेमेस्टर का सत्र 12/4/2021 से प्रारंभ हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, सम सेमेस्टर का जो शैक्षिक मतलब शैक्षिक कैलेंडर पत्र के संलग्न करते हुए निर्देशित किया जाता है कि शैक्षिक कैलेंडर अंकित कार्य योजना हेतु, यानी अभी नीचे दिया जाएगा कि कार्यवाही का अच्छे से नियम पूर्वक अनिवार्य स्वरूप पालन करें और साथ में उक्त कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्या आपने देखा कि कभी बीटीयूपी अच्छे से काम कर पाया है, आप हमें कमेंट में बताइए। हमें तो अभी तक मतलब 3 साल का मेरा समय पूरा हो रहा लगभग पॉलिटेक्निक करते हुए, लेकिन अभी तक मुझे कभी नहीं दिखा कि कोई भी काम बिल्कुल समय से पूरा किया जाए। लेकिन इस बार कुछ अलग तरीके से लोग कर रहे हैं, हो सकता है इस बार पूरी तरीके से पालन भी किया जाए। आइए दिखाते हैं कुछ किस तरीके से। तो आप देख सकते हैं यहाँ रश्मि मैम का यहाँ सिग्नेचर वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा, साथ में यहाँ पे एक सिग्नेचर और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ कुछ और चीज़ें लिखी हैं। इतने से तो काम हो गया, तो बेसिक चीज़ थी, लेकिन अब इम्पॉर्टेंट इस चीज़ से चालू होता है, कुछ बातें नई बताऊँगा इसमें, ठीक है। तो पहले यहाँ देखो, सम सेमेस्टर की आपकी सारणी है, कब कब भैया आपका पेपर मतलब क्या क्या होगा, किस समय क्या होगा। सबसे पहला अगर हम यहाँ पे देखें, एक नंबर पर सम सेमेस्टर यानी 2, 4 और 6 सेमेस्टर की बात हो रही है, पठन पाठन एवं अन्य क्रियाकलाप यानी पढ़ने का और एग्जाम और साथ में प्रैक्टिकल, ये सभी चीज़ की बात हो रही है। निर्धारित समय दिया गया है, यानी जो पढ़ने का सब कुछ समय है वो 12 अप्रैल 2021 से 4 अगस्त 2021 तक आपका चलाया जाएगा, ठीक है, आपने बिल्कुल सही सुना। इस डेट के बीच में आपका पढ़ने का कार्य होगा। तो भैया देखो, ध्यान समझो, जो पूरा पढ़ने का काम चलता है ना, वो सिर्फ 90 दिन में पूरा करना होता है। इसमें काफ़ी छुट्टियां भी हैं जिनको इंक्लूड किया गया, वो आगे बताऊंगा कितनी छुट्टियां हैं। तो आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पर यहाँ क्या है, नामांकन केवल वार्षिक पद्धति, ठीक है, क्योंकि जिसका नामांकन होगा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। वार्षिक पद्धति पाठ्यक्रम हेतु परीक्षा फॉर्म भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा किए जाने की तिथि जो है वो देख सकते हैं द्वितीय चतुर्थ एवं सिक्स्थ, यानी 2, 4 और 6 सेमेस्टर और साथ में वार्षिक ईयरली जिसका चलता है डिफार्मा वगैरह वालों का, उनकी बात की जा रही है। यह कब चलेगा नामांकन, देखिए इस बार बहुत पहले करा जा रहा है, पहले नहीं बहुत पहले। आप देखिए तो जरा, 2 मई 2021 17 मई से लेकर 17 मई, अब मान लीजिए कि इसके बीच में 2 मई से लेकर के लगभग 15 दिन कह सकते हैं, 15 दिन है यहाँ पे, इसके 15 दिन बहुत टाइम होता है। अगर इसमें नहीं हुए थोड़ा डेट बढ़ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनके पास पर्याप्त टाइम है। तो एक चीज़ यहाँ पे है, ये लोग बहुत पहले काम कर रहे हैं, ठीक है, नामांकन वगैरह वाला। उसके बाद देखिए क्या और कराए जा रहे हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं 12 से यहाँ जब कॉलेज स्टार्ट हो रहा है, तो 12 अप्रैल से लगभग आप कह सकते हो, अगर 12-15 को भी ले लो तो 15 दिन इधर कह सकते हो, 15-18 दिन बचे हैं, तो 2 से 18 20 दिन बाद मतलब क्लास स्टार्ट हुआ 20 दिन बाद रजिस्ट्रेशन वगैरह का चक्कर यहाँ आ जाएगा। उसके बाद देखो क्या होगा, आसानी जो कि सब, और यहाँ पे एक बात का ध्यान देना, सब कुछ यू राइज पोर्टल के माध्यम से कराए जाएंगे। अगर आपने, हालांकि सभी स्टूडेंट ने यू राइज पोर्टल बना चुके हैं, नहीं बनाया तो उसे बना लीजिए, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आपने इसको नहीं बनाया है। अब चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ, 3 नंबर पे आपको क्या देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से भरे गए आवेदक पत्रों के आधार पर अनुक्रमांक आवंटन सहित नामावली ऑनलाइन जारी करने की तिथि, आप देख सकते हैं ऑनलाइन जारी किया जाएगा, जो कि 15 जुलाई 2021 से किया जाएगा और
और वो भी यूराइज पोर्टल के माध्यम से ही किया जाएगा। तो आपने समझ लिया तीसरा पॉइंट। चलिए फोर पॉइंट की बात करते हैं, जो कि हम एडमिट कार्ड को लेकर के बात कर रहे थे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपका एडमिट कार्ड कब जारी होगा, क्योंकि आप समय से नहीं प्रिपेयर रहेंगे तो आगे आपकी प्रॉब्लम होगी। फोन नंबर की देख सकते हैं, ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि जो है वह 25 जुलाई 2021 से जारी किया जाएगा, जैसे पिछली बार यूराइज पोर्टल ने जारी किया था, बिल्कुल उसी तरीके से इस बार भी यूराइज पोर्टल के माध्यम से ही किया जाएगा, कोई दूसरा नियम नहीं किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक चीज और भी देख सकते हैं, सेशनल अंकों की ऑनलाइन फीडिंग। इसका मतलब समझ रहे हो दोस्त क्या है, यह बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूँ। क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पहले ध्यान से समझो, आपका जो पढ़ने वगैरह का कार्य था देख सकते हो 4 अगस्त तक खत्म हो रहा है, ठीक है। तो आपका जितना भी सेशनल वगैरह होगा, ठीक है, 3 सेशनल मेरे कॉलेज में होते हैं, आपका कितना होता कमेंट में बताइए। तो आप देखिए 31 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त तक, ठीक है, तो लगभग बोल सकते हो 11 और एक 12 दिन लगभग मिल रहा है, तो हम 12 दिन को करके 10 दिन भी कर लेते हैं, 10 दिन का टाइम होता है, लेकिन इसमें टाइम लग सकता है थोड़ा सा, मैं कहना चाहूँगा इसमें टाइम लग सकता है, क्योंकि कॉलेज वाले यह काम करते हैं, कभी साइड की प्रॉब्लम, कभी कुछ और, कभी कुछ कॉलेज वाले नहीं करते हैं, तो इसमें टाइम लगता है, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा। अब देखिए यूराइज पोर्टल से अभी किया जाएगा, इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है, पता हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से तो आपको सेशनल वगैरह अच्छे से देने हैं, कोई लापरवाही नहीं। अभी एक न्यूज़ और लाऊंगा, उसमें और कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी। चलिए अब देखता हूँ आगे क्या होगा। जो आपका प्रैक्टिकल होगा वह कब होगा, आपका 11 अगस्त तक लगभग आपका कोर्स समाप्त कर दिया जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो परीक्षा वगैरह का चक्कर है वह कब तक होंगे आपके, ठीक है, देख सकते हैं प्रयोगात्मक परीक्षा कार्यक्रम यानी परीक्षा का क्रम और अंकों की जो ऑनलाइन फीडिंग होगी वह कब से कब होगी दोस्त। आप देख सकते हैं यहाँ पे 26 अगस्त 2021 से लेकर के 6 सितंबर 2021 के बीच में आपको, मतलब आपके कॉलेज वाले क्या करेंगे, आपके जो भी, मतलब इसी के बीच में प्रैक्टिकल कराए जाएंगे, ठीक है, और इसी के बीच में अंकों की फीडिंग भी ऑनलाइन कर दी जाएगी। आप लोग यहां पे देख सकते हैं इन सभी के जो भी प्रैक्टिकल आपके होंगे वह सब इसी डेट में करा लिए जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए, मतलब 4 अगस्त खत्म हो उसी के पहले आपका वो हो जाएगा पेपर वगैरह, फिर उसके बाद होगा। अब देखिए यहाँ पे पेपर की डेट क्या देखी गई है, पेपर की डेट आपको पता होनी चाहिए, 7वां मतलब पेपर के लिए आपके कितना टाइम है। तो देख सकते हैं सैद्धांतिक परीक्षा यानी जो लिखित परीक्षा आपकी होगी वह 7 अगस्त 2021 से लेकर के 25 अगस्त 2021 तक कराया जाएगा। तो टोटल अगर यहाँ ऐड कर लेते हैं तो कितना दिन बचता है, लगभग 10 दिन बच गए और इधर 7 ही है, तो कह सकते हो लगभग 18 दिन के करीब, मतलब उसी समझ लो, क्योंकि 18 दिन बहुत होते हैं, उसी में सबका पेपर वगैरह ख़त्म हो जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात कर लूँ फिर आगे कुछ बताता हूँ। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 25 अगस्त यहाँ हो गया, तो इससे पहले कहा था सितंबर, 6 सितंबर तक यहाँ पे फीडिंग करने की बात हो रही है, ठीक है, 6 सितंबर 2021 तक। तो इस बार भी जो एडमिशन का चक्कर है बिल्कुल जैसे कोरोना टाइम में हुआ था, दिसंबर तक चला गया था, लगभग नवंबर लास्ट तक चला गया था, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ भी चलने वाला है, कुछ नया नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए। आप लोग को क्या करना है, मतलब तैयारी करना है कि आगे एडमिशन लेना है, यार नए स्टूडेंट उनको क्या करना है, इन सब अपने से पहले सोच लीजिए आपको टाइम क्या करना है, क्योंकि बहुत लंबा यहाँ जाने वाला है, ठीक है। तो अब देखिए थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट बात कर लूँ, कितनी छुट्टियाँ की बात हो रही है यहाँ पे, ये देखो इम्पॉर्टेंट बात है, वीडियो देखते रहो अंत तक। देख सकते हो परिषद, ठीक है, बिना में 2016, ठीक है, प्रथम संशोधन यहाँ पे किया गया, उसके अकॉर्डिंग क्या गया, शैक्षणिक कैलेंडर के न्यूनतम, ठीक है, अगर मतलब कोई भी कितना भी दिक्कत आ जाए, आपको पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, कम से कम 90 दिन आपका जो क्लास वगैरह 90 दिन चलना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 12 अप्रैल 2021 से 4 अगस्त 2021 तक के सम सेमेस्टर के क्या हो जाएंगे, सभी 90 डेज पूरा हो जाएंगे, लेकिन इसमें क्या है, लगभग आप देख सकते हैं 25 छुट्टियाँ भी हैं, ठीक है, तो इन अगर जो मतलब क्लास चलेगा और छुट्टियों को घटा दोगे इन डेट के बीच में, यानी 12 अप्रैल से 4 के बीच में, तो आपको 25 छुट्टियां निकलने के बाद 90 दिन आपको मिल जाएंगे। तो देख सकते हैं कहा गया 90 प्रभावी शैक्षणिक दिन कक्षाएं संपादित की जाएंगी, मतलब चलाई जाएंगी। रश्मि मैम का यहां पे आप देख सकते हैं सिग्नेचर वगैरह BTUP से आपको देखने को मिला है। तो यह थी फाइनली अपडेट। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रिजल्ट को लेकर के, वहीं पर हम बताना चाहते हैं 2 और 4 सेमेस्टर वाले उतना चिंतित नहीं होंगे जितना 6 सेमेस्टर वालों को प्रॉब्लम होगी। बताता हूँ क्यों, क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटी क्या है कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोग जाएंगे, तो कई अपने अपने अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी अगर चूज करते आगे पढ़ते हैं तो उनके लिए क्या है ना, टाइम नहीं मिलेगा। कैसे कि आपका जो रिजल्ट है ना, रिजल्ट नहीं आएगा तो आपका एडमिशन वगैरह में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपका जो एडमिशन का चक्कर है ना वह कैसे हो पाएगा, वह जो रिजल्ट आने वाला लगभग देख सकते हो 7 के करीब यहाँ पे 6 सितंबर के बीच में यह कंप्लीट हो रहा है,
तो अनुमान लगा के चलो कि अक्टूबर में रिजल्ट आएंगे, सितंबर में कोई चांस नहीं, अक्टूबर में कराया जाएगा, ठीक है। लेकिन बताना चाहता हूँ इस बार कॉपी वगैरह चेक करने का एक नया नियम वगैरह भी चलाए जा रहे थे, वो किसी नए वीडियो में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे जो रिजल्ट की बात थी वो फाइनली लग रहा है कि अक्टूबर में ही आएगा, उससे पहले आपको नहीं आएगा। बाकी इस बार कुछ नए संकेत भी मिल रहे हैं कि किस तरीके से क्लास वगैरह चलाई जाए, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे इस अपडेट के बारे में। हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे अपडेट वगैरह हम इसको सेंड भी कर देंगे, आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, BTUP भी जाके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो आप हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मिलूंगा मैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।